जनपद के उत्तरी क्षेत्र में सोनौली हाईवे सहित जंगल बहादुर, अली शेख, पुरवा, रामपुर चक, नूरदीन चक, जितपुर, नवापार सहित अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का पानी सड़कों पर आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर पानी आने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रयागराज और अयोध्या से अतिरिक्त नावें मंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकाल के बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा रही है तथा वहां पर उनके रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जंगल बहादुर अली सहित आसपास के गांव के लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लेखपाल ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया तथा लोगों को सुरक्षित बाढ़ राहत शिविर तक पहुंचाने का काम किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहगीर नाव से बाहर निकलने वाली महिला पार्षद महेश कुमार, स्थानीय लेखपाल और विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सब चल आप मर के जाओ अरे खेत जाए यार इसलिए है अरे है कहते खेत जावे है ना सब खेत में है बराबर सब जवा चल ले बात खाली करा के नैया ले जाएगा हमारे घरे लगे जल्दी खाली करा अपन सामान लालबहादुर स्कूल में जा कर रहा सब व्यवस्था वहाँ खाई ले पिए सबका जे कर पानी निकल ला जहाँ मिला था मौका
जितने परिवार वहाँ है सबका नाम लिख लीजिए कितना है सारा चल के दीजिए हम लोग डाल दिया आप लोग वहीं जाएंगे आशुतोष चौधरी 6 फीट पानी आ गया है कमर से ऊपर और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग निकले हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए घर से, थोड़ा सा घर में सामान स्टॉक करके रख लें और आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं अभी कल परसों में पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कब से पानी बढ़ा है ये? अभी 2-3 दिन से बहुत तेज़ से पानी बढ़ रहा है। रात में क्या स्थिति थी? रात में तो अभी हम लोग घर का सामान धीरे धीरे अब ऊपर कर रहे हैं और कुछ सामान छत पर चढ़ा रहे हैं। रात में भी पहले पानी कम था, कम से कम 2 फीट पानी ऊपर बढ़ा है रात में। नहीं हम तो नहीं दिए हैं पैसे। फ्री में आई हैं? हाँ। तो ये बताइए आपके मकान में पानी घुस गया क्या? मतलब घुसने वाला है, मतलब 1 इंच कम है। कहाँ पे है मकान आपका? मोरीपुर पेट्रोल पंप के पीछे। हम सभी लोग एक ही कॉलोनी के हैं। अच्छा, पेट्रोल पंप के पीछे? हाँ, पेट्रोल पंप के पीछे। तो पूरा परिवार लेके आए हैं, कहाँ रहेंगे अभी? अभी तो बाबू जहाँ बताएगा। महेश कुमार, शासन द्वारा न बुलाया गया है, सबको बाहर निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर 2 नाई आई हुई है। हेलो, निकाल रहे हैं 2 सभी निकल रहे हैं। देखिए अभी शासन मतलब कितना भेजती है इसके बाद। अचानक 2-3 दिन से जल स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके तहसील प्रशासन की तरफ से 2-3 नाव लगाई गई हैं। अभी तुरंत महसरा से उसको उतार के लगाया गया है। हर तरह से मदद की जाएगी। विद्यालय में लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन से भोजन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, सब वितरित होगा। कुछ क्षेत्रों में जो जल स्तर बढ़ा नदियों का, इसके लिए कुछ क्षेत्रों में जल भरा हो गया है और बाढ़ की स्थिति हो गई है, तो इसके लिए क्या जवाब है? देखिए, इस समय हमारी जो राप्ती नदी हमारे विधानसभा से जो लगी हुई है, उसका जल स्तर आज स्थिर हो गया है और अब नदी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो उसका जो है नीचे लेवल अब नीचे होगा। लेकिन चूँकि इतना नदी में पानी आ गया था, तो जिससे उसके बगल के जो ज़्यादा ताल है, आपका टेंडार ताल एक हमारा है, चिलुआ ताल है, ये सारा का सारा पानी रुक जाने के कारण वो नदी में जा नहीं पा रहा है। चूँकि नदी का जल स्तर इतना ऊँचा हो गया है और ये सारे पानी उसमें जा नहीं पा, इस नाते थोड़ा सा जो है अन्य जहाँ लो लैंड है वहाँ पर जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हफ्ते के अंदर ये सारी स्थितियाँ जो हैं सामान्य हो जाएंगी और बालापार टिकरिया रोड की जहाँ तक बात है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें एक पोर्शन है जो है रामनगर के पास, वो काफ़ी लो लैंड है। अब ये सड़क जब बन रही है तो उसको रेज करा करके और वहाँ पर सीसी रोड, 2 जगह उस रोड में, बालापार टिकरिया रोड जो 16.5 किलोमीटर, उसमें एक तो बालापार का पोर्शन हम लोगों ने सीसी रोड लिया है, वो पूरी सड़क बालापार का जितना पोर्शन पड़ता है वो टोटल सीसी रोड बनेगा और ऊंचीकरण भी होगा। और आगे रामनगर में भी जहां इस समय जल जमा हुआ है वहां भी सड़क रेज करके और वहां भी सीसी रोड बना दिया जाएगा। और सीसी रोड बनने के बाद मैं समझता हूं कि वहां के नागरिकों की जल जमाव से समस्या से जो है निजात मिली। बाकी जो हमारे जो मोहनापुर में जो हकीम नंबर 2, तिकुनिया नंबर 1, इन जो क्षेत्रों में जो जल जमाव है, इसमें नगर निगम की टीम भी लगी हुई है। गुलरिया में भी हम लोगों ने जेसीबी भेज करके नाले को खुदवाया, पानी को निकलवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये जो जल जमाव की स्थिति है, चूँकि प्रकृति भी इतना काफ़ी पानी गिरा है, तो अगल बगल चूँकि जल स्तर इतना ऊंचा हो गया है, इस नाते जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, हमारा नगर निगम और नगर निगम के सारे हमारे अधिकारी, उसके जो हमारे नगर आयुक्त हैं, सारे के सारे लोग जो है जल निकासी के लिए सब लोग प्रयत्नशील है। और हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि 2 तारीख हम लोग भी जो है 3 तारीख को अपने उस हकीम नंबर 2 और तिकुनिया नंबर 1 और इन बेल्टों में जहाँ भी जल जमा है, इसका हम सब दौरा करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गांव सभाओं के लिए जो हमारे विधानसभा की 8 गांव सभा जो नगर निगम में गई है, उसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की धनराशि जो स्वीकृत करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बरसात के बाद
उस पैसे से जो नाले और जो सड़कें बनेंगी आगे भविष्य में, हम सब उनका ये प्रयास रहेगा कि हकीम नंबर दो और टिकुनिया नंबर एक और बाकी अन्य जो हमारे जो नगर निगम में जो गांव आए हैं उनको जल जमाव से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम सभी का विश्वास है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि सब संभव है। भाई बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ, कुछ बाढ़ चौकियाँ इस तरह रहेंगे? देखिए अभी तो हमारे वहाँ इस तरह की कहीं कोई बहुत समस्या नहीं है, केवल जंगल बहादुर अली के पीछे का उधर हमीनपुर और रामपुर चक उस बेल्ट में और नूरदीन चक का कुछ हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पर, चूँकि मैंने कहा कि नदी का जल स्तर ऊँचा होने के कारण सिलवा का पानी उसका लेवल ऊँचा हो रहा है, इससे कुछ लोगों को उसमें दिक्कतें आई हैं। हम लोगों ने आज ही SDM से बात करके वहाँ नाव की भी व्यवस्था, हम सब आजकल में वहाँ नाव की व्यवस्था हो जाएगी और जहाँ भी लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं वहाँ पर राहत सामग्री हो सकती है।